यहाँ पे यशवियन के लिमिटेड के यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। डायरेक्ट यहाँ पे हम रिजल्ट्स पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम रिजल्ट्स पे आ चुके हैं। यदि रिजल्ट्स इसके चेक करें तो मार्च 2022 क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाते हुए देखने को मिले। उसी के साथ यदि हम दिसंबर के रिजल्ट से कंपेरिजन भी यहाँ पे कर लेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा किस तरह के यहाँ पे रिजल्ट्स आए। फर्स्ट यदि हम यहाँ पे रेवेन्यू चेक करें तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू सो रहा होगा 4,948 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है मार्च 2022 में। यदि लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करें तो 4,898 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। बहुत अच्छे प्रॉफिट इस क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स में यस बैंक के देखने को मिले, एक अच्छे प्रॉफिट। उसके पहले यदि बात करें तो लगातार यहाँ पर 4652, तो यदि आप ग्रोथ देखें तो यहाँ से भी ग्रोथ है एंड ईयर वाइज भी देखें तो भी यहाँ पर ग्रोथ है, एक अच्छी खासी ग्रोथ। लगभग 1,000 करोड़ की ग्रोथ ईयरली है एंड यदि क्वार्टरली बात करें तो यहाँ पर लगभग 98 करोड़ एंड 98 करोड़ नहीं तो आप यहाँ पर 58 करोड़, 50 से 58 करोड़ की यहाँ पर ग्रोथ सामने नज़र आ रही है। उसी के साथ यदि हम सेल्स के साथ यदि इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट किस तरह से इसने जनरेट किए हैं, तो यदि यहाँ पर हम इंटरेस्ट को एक बार नोटिफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे शो रहा होगा जो मार्च 2022 में यहाँ पे जो इंटरेस्ट जनरेट होने को दिखे हैं वो 3128 करोड़ के। उसके पहले वाले क्वार्टर में जो यहाँ पे इंटरेस्ट थे वो 3134 करोड़ के थे, तो इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। इंटरेस्ट में जो यहाँ पे कमी नज़र आ रही है वो यहाँ पे लगभग 6 करोड़ की कमी है। वही यदि ईयरली वाइज बात करें तो इंटरेस्ट में अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त समझ में आ रही है, वो यहाँ पे 125 करोड़ की बढ़त साफ साफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे जनरेट ज़्यादा होने को दिखी है इंटरेस्ट से इनकम, क्योंकि बैंकों की जो भी इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है। उसी के साथ यदि हम नेट प्रॉफिट चेक करें, जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है जिससे आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, तो इस समय जो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है वो 367 करोड़ का है। आप समझ सक रहे होंगे 367 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट। एंड इसके पहले की यदि बात करें तो कंपनी को 276 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था लास्ट क्वार्टर में, देन यदि इस क्वार्टर में देखें तो एक अच्छी खासी जंप, लगभग यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर की जंप यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिली है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। एकदम यहाँ पे धमाकेदार न्यूज़ होने वाली है, रिजल्ट्स एकदम अच्छे आए हैं इस क्वार्टर के। एंड वही यदि ईपीएस की बात करें तो 15 पैसे अर्निंग पर शेयर इस समय ईपीएस कंपनी का चल रहा है, जो लास्ट क्वार्टर कंपनी का ईपीएस 11 पैसे पर शेयर था वो भी 15 पैसे पर शेयर पहुँच गया है, तो एक अच्छी पॉजिटिविटी लगातार इस शेयर में अभी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। बकाया आपको रिजल्ट कैसे लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बकाया यदि हम एनपीएस की बात करें तो इस समय जो नेट एनपीएस सामने निकल के आया वो यहाँ पर जरूर यहाँ पर थोड़ी कम होने को दिखें, जो एक अच्छी यहाँ पर पॉजिटिविटी अगेन यहाँ पर खबर है, क्योंकि यदि आप एनपीएस पे थोड़ा नज़र डालें तो जो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए इस समय 13.93% है। उसी के साथ यदि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 14.65% के ग्रॉस एनपीए थे। उसी के साथ एनपीए में तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला ही मिला है, साथ साथ यदि हम बात करें नेट एनपीए की तो नेट एनपीए भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4.53% इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 5.29% के एनपीए थे नेट एनपीए, तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी अगेन यहाँ पे देखने को आपको ज़रूर मिल रही होगी। उसके साथ यदि हम बात करें कंपनी के ईयरली बेसिस के रिजल्ट की, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन ईयरली रिजल्ट भी आते हैं जो यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलते हैं। ईयरली बेसिस पर बात करें जो चारों क्वार्टर का मिक्सअप होता है, तो रेवेन्यू यदि चेक करें तो ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ी सा कम जनरेट होने को दिखा है, जो यहाँ पे मार्च 2021 में जो रेवेन्यू इनका हुआ करता था 20,042 करोड़ वो इस समय 19,024 करोड़ का देखने को मिला, तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट जरूर है। एंड जो गिरावट है वो यहाँ पर 1,000 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट सामने नज़र आ रही है। उसी के साथ यदि हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पे लगभग सेम ही है, जिस तरह से रेवेन्यू में गिरावट आई है उस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट में गिरावट देखने को उतनी नहीं मिली है। लगभग यहाँ पे जो गिरावट है वो यहाँ पे 90 करोड़ की इंटरेस्ट में गिरावट है ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस के रिजल्ट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसी के साथ यदि नेट प्रॉफिट चेक करें तो कंपनी को यहाँ पे लास्ट ईयर 2021 में जो 3462 करोड़ का लॉस लगा था वो इस समय वो लॉस से उभरते हुए 1,000 से ऊपर के ज़्यादा का प्रॉफिट बनाने में यहाँ पर कामयाब रही है कंपनी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी तो साथ साथ है ही। उसी के साथ आप एक और चीज़ देखें यहाँ पे ईपीएस, जो ईपीएस इनका नेगेटिव में 1.38 रुपीज़ पर शेयर था वो अभी 43 पैसे पर शेयर प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, तो ये तो इम्प्रूवमेंट है ही, साथ साथ ये और इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये नेगेटिविटी थी एंड ये नेगेटिविटी इस समय नहीं है, वो पॉजिटिविटी में बनते हुए नजर आए। एंड यदि आप एक और चीज़ देखें जो 2020 में इन्हें लॉसेस लगे थे वो 16,418 करोड़ के देखने को मिले, फिर 2021 में इन्हें टोटल लॉसेस देखने को मिले, अभी इम्प्रूवमेंट एक अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है, तो यहाँ से एक पॉजिटिविटी वाली खबर, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी वाली खबर यस बैंक के लिए जरूर यहाँ पर जनरेट होने को दिखी होगी। उसी के साथ यदि बात करें, अभी ये सब डेटा तो नहीं आया है शेयर कैपिटल
रिजर्व्स, बोरोइंग लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट, ये भी बहुत जल्दी यहाँ पे अपलोड होने को दिख जाएगा। उसके पहले यदि आप इस डेटा को भी यदि चेक करना चाहते तो आप यहाँ हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। उसके लिए आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसी के साथ यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार चेक करें तो 34,200 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, आरओसी देखें तो एक ठीक ठाक आरओसी, आरओई भी ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, 10 के नीचे ही है तो एक अच्छा नहीं बोल सकते, बट एक ठीक ठाक है, नेगेटिव में नहीं है, बस यही बात यहाँ पर बहुत ठीक है। बुक वैल्यू की बात करें तो 13.20, यहाँ पर 13.20 की बुक वैल्यू के साथ इस समय जो ट्रेड कर रहा है शेयर वो 13.60, तो बुक वैल्यू से कोई भी ज़्यादा ऊपर नहीं है। यदि आप यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी से इसमें एक बाइंग कर सकते हैं। अगर इसका हाई और लो देखें तो इसने अपना लो 52 वीक में 10.50 बनाया था, उसी के साथ हाई 16.20 का हाई एक साल में बना चुका है। फेस वैल्यू यहाँ पर 2 की रहने वाली है। यदि टेक्निकल एनालिसिस पे जरा यहाँ पर गौर फरमाएं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस समय जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है, मैं इसको थोड़ी 6 मंथ का चार्ट पैटर्न कर ले रहा हूँ जहाँ पर और क्लियरिटी आ जाएगी। एंड यदि इस समय चेक करें तो 13.65 का तो प्राइस चल ही रहा है जो आपके सामने यहाँ पर सो रहा होगा। उसी के साथ यदि 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज चेक करें तो दोनों ही बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पास में है। यदि 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो तो अभी प्राइस से काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बुलिश मोड में, लॉन्ग टर्म बियरिश मोड में यहाँ पर दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म बियरिश मोड में मतलब लॉन्ग टर्म में आपको नीचे की ओर जाते हुए देखने को मिलेगा, एंड शॉर्ट टर्म में ऊपर बुलिश मोड की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे कि सामने निकल के समझ में आ रहा है। उसी के साथ यदि वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम इसमें एक यहाँ पर मार्च के लास्ट में था, अप्रैल के स्टार्टिंग में यहाँ पर रहा था, अभी जब एकदम यहाँ पर बढ़त आई थी वो अभी वॉल्यूम थोड़ा यहाँ पर कम होने को दिखा है। यदि और बड़े वॉल्यूमों की बात करें तो वो अभी हमें दिसंबर में यहाँ पर देखने को मिला था लास्ट टाइम, बट तब से एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ी देखने की कमी रही है, छोटे छोटे वॉल्यूम यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा वॉल्यूम इसमें एक बड़ी तेज़ी की ओर इंडिकेशन करता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे जैसे बड़े वॉल्यूम आते हैं प्राइस का फ्लक्चुएशन ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिला है। इसमें आप कहीं भी देखें जहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम हैं वहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर जाने को दिखा है। आप देख सकते हैं बड़े वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर जो इंडिकेट किए गए हैं वो ये येलो लाइन से, जो आपको थोड़ी थोड़ी मतलब यहाँ पर धुंधली सी लाइन है दिखा रही हूँ, उनसे यहाँ पर किए गए हैं। साथ में यदि प्रॉस की बात करें तो कंपनी का एक प्रॉस यहाँ पर सामने निकल के आया है कि जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे 1.03 times पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी की ये यहाँ पर थोड़ी प्रॉस है, क्योंकि जो बुक वैल्यू के समांतर यदि कोई भी शेयर यहाँ पर ट्रेड करता है तो वो एक पॉजिटिविटी मानी जाती है। यदि कॉन्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कंपनी आती है, पुअर सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की है लास्ट ओवर 5 ईयर से, तो यहाँ पर ये भी छोटा सा कॉन्स यहाँ पर सामने नज़र आता है। उसी के साथ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये भी इसका यहाँ पे थोड़ी सा कौन सा है। बकाया आप देख सकते हैं, और भी सारे कौन से आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको एनालिसिस कर सकते हैं। बकाया अभी हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप यहाँ हमसे चैनल में जुड़ने के लिए हमारे साथ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।